So hi and welcome to this another episode with me, Arshi. I hope you guys are doing good. और दिल्ली की अगर हम बात करें तो I think this is the capital of India, right? The capital. और आसपास बहुत सारे regions हैं और उन students सोचते हैं कि यार overnight journey है, I mean quite easy to accessible, काफी सारे corporates हैं, so why not to look for colleges when it comes to MBA? So in this episode वैसे तो सारे ही top colleges मैंने इस list में रखे हैं. कई सारे students जिनके percentile उतने अच्छे नहीं होंगे वो सोचेंगे कि यार मतलब मेरे लिए क्या है, आपके लिए वीडियो मैं बनाऊंगी. पर अगर आप जानना चाहते हैं अगर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से colleges को टारगेट कर सकते हैं, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, इसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. बट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप एमबीए कॉलेजेस इन दिल्ली, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले अगर कोई लिस्ट में कॉलेज स्किप हो गया हो तो यू हैव टू टेल मी, अदरवाइज यू नो ये एनसीआर की बात नहीं हो रही है, ये दिल्ली की बात हो रही है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कहें कि बहुत सारे कॉलेजेस नहीं है इस लिस्ट में. नन अदर देन सबसे पहला जो कॉलेज आएगा दैट इज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि ROI के लिए काफी नोन कॉलेज है. इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जो है वो 2 लाख है और एवरेज पैकेज जो है वो ABCIMS के काफी करीब है, 34 लाख का एवरेज पैकेज है व्हेन इट कम्स टू FMS दिल्ली. जो सेकंड कॉलेज लिस्ट में दैट इज IIFT दिल्ली. वैसे तो IIFT के और भी कैंपस स्टार्ट हो गए. ये कॉलेज IB फॉरन ट्रेड के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है. इसके लिए ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं जिसको हम IIFT कहते हैं. 29.1 लाख का एवरेज पैकेज है और फी स्ट्रक्चर 21.77 लाख का है. देन थर्ड जो कॉलेज है इस लिस्ट में दैट इज IIT दिल्ली, जो कि इंजीनियरिंग के लिए सेकंड पोजीशन पे मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज है और MBA के लिए अगर आप 2-3 IIMs हटा दें तो कई सारे IIMs से ज्यादा अच्छा एवरेज पैकेज और ROI इस कॉलेज का, क्योंकि फी स्ट्रक्चर सिर्फ 10,40,000 का है और एवरेज पैकेज 25.82 लाख का है. IIMs के पास ऑलरेडी काफ़ी पुरानी लेगेसी है, राइट? इनका जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसमें अगर आप इनका एक क्लब्स देखेंगे, राइट, इनकी सोसाइटीज देखेंगे और जिस तरीके का इनका ईसेल है, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, राइट? एंड दैट वाज IIT दिल्ली, राइट? बट दिस मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट, वो जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ यू नो बिजनेस इकोनॉमिक्स, DB के नाम से जाना जाता है. 24,000 इसकी फीस है, एवरेज पैकेज 17.1 लाख का है. देन वी हैव दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका फीस स्ट्रक्चर 31,000 का है, एवरेज पैकेज 13.94 लाख का है. वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, अगेन 26,000 का फीस स्ट्रक्चर है और 14.55 लाख का एवरेज पैकेज है कहीं ना कहीं इस कॉलेज का, राइट? सो ये सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं. इसमें से अगर मैं बात करूं तो FMS CAT एक्सेप्ट करता है, IIT CAT एक्सेप्ट करता है, ये IIFT एक्सेप्ट करता है IIFT का एग्जाम. अदरवाइज अभी तक हमने जितने भी कॉलेजेस की बात करी वो सब के सब CAT एक्सेप्ट करते हैं. अगेन अगर आपके परसेंटाइल कम हैं, आपने दूसरे एग्जाम्स दिए हैं, आप अपने बजट और आप स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अगर आपके लिए कौन सा कॉलेज सही है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है ये लगे कि यार व्हाई यू आर सेइंग फॉर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज मैं बहुत सारे कॉलेजेस ट्रैवल करती हूँ, मैं बहुत सारी ऑनलाइन जब कॉलेजेस के बारे में देखती हूँ तो इन्फॉर्मेशन में काफ़ी फ्लक्चुएशन है, जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं और जो ऑनलाइन दी हुई है. मैं लास्ट ईयर मैंने हर वीडियो में बोला है लिंक्डइन पे जाके बात करो, लिंक्डइन पे जाके बात करो, बट इस साल मैं वो भी नहीं प्रमोट करी. उसका रीज़न क्या है, दैट आई हैव सीन कई सारे स्टूडेंट्स जिनका कॉल बैक आया कि अच्छा वो जो स्टूडेंट्स हैं दे आर यू नो बिलोंग्स टू कॉलेज ओनली, वो फैकल्टीज ने प्रोफाइल्स बना रखी हैं. तो जस्ट क्योंकि हम MBA में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन लेके बच्चे जाते हैं, तो कॉलेज का सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट इज द रीजन आई एम्फसाइज फिल द फॉर्म विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स जो आप कॉलेजेस देख रहे हो ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको. इसके बाद अगर हम बात करें तो वी हैव SRCC GBO दिल्ली, इसके लिए भी ये खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. फीस स्ट्रक्चर 2 लाख नहीं थोड़ी ज्यादा है, आप एक बार इसको वेरीफाई कर सकते हैं. एवरेज पैकेज 13.2 लाख का है. देन वी हैव फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली, ये भी CAT के अलावा और भी एग्जाम्स एक्सेप्ट करता है. 16.98 लाख का फी स्ट्रक्चर है, 14.5 लाख का एवरेज पैकेज है व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज. देन वी हैव LBSIM लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, CAT
जैट के थ्रू यू कैन अप्लाई. कई सारे कोर्सेज के लिए आपको 80% पे भी कॉल आ जाता है. 15.50 लाख का एवरेज पैकेज है, और सॉरी 15.50 का फी स्ट्रक्चर, और एवरेज पैकेज जो है दैट इज 12,42,000. इस पर मैंने रिव्यू बनाया है आई थिंक आपको चैनल पे. इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी मिल जाएंगे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. अगर आप नए हैं डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो एक टेलीग्राम भी ग्रुप है जहां पे मेरे लाइव सेशंस के बारे में और भी बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट. देन वी हैव IIM दिल्ली इन द लिस्ट, राइट. IIM के दो और कॉलेजेस हैं. ये इसका कैट का परसेंटाइल जो है वो नियर अबाउट 90% है. 17 लाख का एवरेज पैकेज है. फी स्ट्रक्चर जो है दैट इज 20,19,000. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसका एवरेज पैकेज होता है अबाउट 8 से 9 लाख का है. इनका खुद का एग्जाम होता है JMIE एंट्रेंस टेस्ट. फी स्ट्रक्चर 25,000 से 65,000 के बीच में है, और एवरेज पैकेज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 8 से 9 लाख के बीच का है. काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं. करिकुलम थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, राइट. बाकी यू नो ROI के टर्म्स में, और अगर हम देखें कि जिनका कैट अच्छा नहीं गया है वो इनका एंट्रेंस टेस्ट दे के कहीं ना कहीं इनरोल कर सकते हैं. आपके परसेंटाइल के हिसाब से कॉलेजेस नहीं हैं, जानना चाहते हैं नीचे का फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड subscribe.